बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने ना सिर्फ फिल्मों में नाम कमाया बल्कि वह राजनीति में भी जब उतरे तो सबको चौंका दिया था। उन्होंने अपने पहले ही चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी जैसी बड़ी शख्सियत को जीत के लिए नाकों चने चबवा दिए थे। अगर वह चुनाव आडवाणी हार जाते तो उनकी छवि को काफ़ी नुकसान होता। कहा यह भी जाता है कि अगर वह राजेश खन्ना से चुनाव हार जाते तो उनका पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो सकता था। साल 1991 में हुए दिल्ली के लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी ने कांग्रेस की टिकट से पहली बार चुनाव लड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना को 1579 मतों से मात दी थी। उस चुनाव में राजेश खन्ना ने इतने कम वोटों से हुई अपनी हार को स्वीकार करने से मना कर दिया था। राजेश खन्ना ने उन पर इतना तक आरोप लगा दिया था कि आडवाणी ने धोखे से ये चुनाव जीता है। उस समय आडवाणी ने गुजरात के गांधीनगर से भी चुनाव जीता था। बाद में दिल्ली की सीट छोड़ने के बाद 1992 में हुए उपचुनाव में राजेश खन्ना ने बंपर मतों से चुनाव को जीता। खन्ना के खिलाफ भाजपा से शत्रुघ्न सिन्हा ने चुनाव लड़ा था। राजेश खन्ना ने शत्रुघ्न सिन्हा को 25,000 से भी ज़्यादा वोटों के अंतर से पराजित कर चुनाव जीता था। वहीं आडवाणी को राम मंदिर आंदोलन के अगवा होने का फायदा 1991 के आम चुनाव में हुआ। वीपी सिंह की सरकार को गिराने में आडवाणी सफल रहे। दिल्ली में आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़े राजेश खन्ना जीत जाते अगर जनता दल के उम्मीदवार मंजू मोहन ने काम नहीं बिगाड़ा होता। उस चुनाव में तीसरी उम्मीदवार रहीम मोहन को 20,000 के करीब वोट मिले थे। वहीं मंजू मोहन वरिष्ठ समाज सेवी सुरेंद्र मोहन की पत्नी थी। सुरेंद्र का गरीब तबकों में काफ़ी पैठ था। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने फेवर में करने में सुरेंद्र सफल रहे। हालांकि उनकी पत्नी ने ये चुनाव नहीं जीता लेकिन राजेश खन्ना के वोटों को काटने में उनकी काफ़ी भागीदारी थी। इसका फायदा मंजू को चुनाव में भी हुआ। गरीब तबकों के लोगों का मंजू को काफ़ी वोट मिले थे। अभी आडवाणी से सबसे ज़्यादा वोट दिल्ली के लाजपत नगर, सेवानगर और अमर कॉलोनी से पड़े थे। चुनाव में आडवाणी हारते हारते बचे थे।